नमस्कार बच्चों, कक्षा तृतीय विषय सदाचार, जिसे कहते हैं व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में आज हम पाठ 6 सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए आपको बताएंगे। कक्षा में जैसे ही आचार्य जी प्रवेश करते हैं, सभी बच्चे उनका खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। आचार्य जी बच्चों को पाठ के माध्यम से सामाजिक जीवन के विषय पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सभी काम अपने स्वयं नहीं कर सकता, उसको एक दूसरे से पर से कराना पड़ता है, इसलिए मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ही इतनी बात कक्षा में आचार्य जी ने बताई, एक बालक कहता है, आचार्य जी विद्यालय का भवन बड़ा सुंदर बना हुआ है, इस सुंदर भवन को की ईंटें, रेत बजरपुट लोहा कहाँ से आता है? तो आचार्य जी कहते हैं कि बेटा, आपने तो भैया एक साथ कई सारे प्रश्न पूछ लिए, चलिए फिर भी हम बताते हैं कि ईंटें मजदूर पाथते हैं, फिर वे भट्टे में पकती हैं, उसके बाद वो आती हैं, और बालू रेत ये हमको नदियों से, पोखरों से, तालाबों से प्राप्त होता है, तथा लोहे का गेट बना हुआ है, देखिए तो इस लोहे के गेट को लोहार बनाता है। लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को हम लोहार कहते हैं। कृषि किसान करते हैं, किसान को औजारों की आवश्यकता होती है, वे लोहे के औजार जैसे दराती, खुरपी, फावड़ा, इन सब को लोहार बनाता है, और लकड़ी के काम को बढ़ई करता है, जैसे कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजे आदि, इनका काम करने वाले व्यक्ति को हम बढ़ई कहते हैं। बच्चे ने कहा एक दिन हम कि दीपावली का उत्सव था, तो हम उस उत्सव पर नए नए कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े कहाँ से आते हैं? तो आचार्य जी ने बताया कि ये कपड़े पहले इनको कारखानों में बनाया जाता है, और उसके बाद उस कपड़े को बाज़ार में लाया जाता है, वह दुकान पर मिलता है। उन कपड़ों को बाज़ार में लाने से पहले कारखानों में जुलाहे तैयार करते हैं, और इन कपड़ों को सिलने वाले व्यक्ति जो कपड़े को सिलता है उसे हम दर्जी कहते हैं। जो हमारे कपड़े तैयार करता है, सिलता है, उन्हें हम सिल करके सिले हुए कपड़ों को पहनते हैं, उनको सिलने वाले व्यक्ति को हम दर्जी कहते हैं। मिट्टी का कार्य करने वाले को, जैसे दीपावली के उत्सव पर दिए आदि आते हैं, उन दियों को कुम्हार बनाता है। मिट्टी का काम करने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, कृषि का काम करने वाले को किसान कहते हैं, सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं, और लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। इसी प्रकार एक दिन बच्चे मंदिर में गए, बच्चों ने मंदिर में देखा कि जो मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी हैं, वो भगवान का श्रृंगार करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, उनको हम पुजारी कहते हैं, और उनका जो श्रृंगार करते हैं, जो आभूषण बने हुए होते हैं, उन बने हुए आभूषणों को, वे आभूषण पीतल और चांदी सोने के होते हैं, उन आभूषणों को तैयार करने वाले को हम सुनार कहते हैं।
इसी प्रकार विद्यालय, गांव में विद्यालय होता है या शहर में विद्यालय होता है, उस विद्यालय में शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं, विद्या अर्चन करने वाले, विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते हैं, गांव वाले अध्यापक जी या आचार्य जी का सम्मान करते हैं, बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे इस प्रकार हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और मनुष्य सामाजिक प्राणी है जिसके कारण वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात समाज में सबका महत्व है। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम रिक्त स्थान भरवा रहे हैं, और ध्यान से सुनिए और समझिए। तख्त चारपाई का निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई। जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। आभूषण यानी जेवरात बनाने वाले को क्या कहते हैं? को स्वर्णकार कहते हैं। स्वर्णकार या सुनार कहते हैं। ईंटों में पकाया जाता है। काय में पकाया जाता है? भट्टों में। ईंटों को भट्टों में पकाया जाता है। कक्षा में शिक्षण करने वाले को कहते हैं, जो कक्षा में हमें पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिक्षक। उन्हें शिक्षक कहते हैं। अब हमको प्रश्न संख्या दूसरी करनी है। प्रश्न है हमारा कि सत्य और असत्य चुन करके लिखो। जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएंगे। मंदिर में पूजा करने वाले को शिक्षक कहते हैं? नहीं, शिक्षक तो केवल कक्षा में पढ़ाते हैं। मंदिर में पूजा जो करते हैं वो पुजारी होते हैं, इसलिए यह कथन हमारा गलत है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। जैसा कि आपको पहले अवगत करा दिया गया कि मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार ही बनाते हैं, जैसे दिए बनाना, घड़े बनाना, सकोरे बनाना आदि आदि, तो ये काम मिट्टी के कुम्हार करते हैं, इसलिए यह कथन हमारा सत्य है। कपड़े की सिलाई करने वाले को बढ़ई कहते हैं? गलत। कपड़े की सिलाई करने वाले को, जो कपड़ों को सिलता है, उसको हम दर्जी कहते हैं, तो इसलिए यह हमारा कथन बिल्कुल ही गलत है। जूता बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं? नहीं, जूता जो बनाता है वह मोची बनाता है। हमारा जूता टूट जाता है, जूतों पर हम पॉलिश कराते हैं, तो वह कार्य हमारा मोची करता है, इसलिए यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है। इसी के साथ बाकी शेष कार्य आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, आप उसको लिख लेना, तैयार कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, यही आपका कार्य है।